बड़ी अहम खबर आपको बता दें, जहां पर भाजपा इस वक्त लखनऊ में भाजपा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेगी और मेयर के अधिकारों में कटौती किए जाने का जो विरोध है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा आज लखनऊ में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी लखनऊ में, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन होगा और मेयर के अधिकारों में जो कटौती की गई है उसको लेकर लोगों में आक्रोश है, विरोध कर रहे हैं इस बात का लगातार कि मेयर के अधिकारों में कटौती क्यों की गई और ये कटौती नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को लेकर लोगों का विरोध लगातार चल रहा है, गुस्सा है लोगों में, आक्रोश है और इसी बात को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर आज ये प्रदर्शन है लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं लखनऊ से। राजीव, हम आप ही से एक बार ये पूरा मामला जानना चाहेंगे। देखिए, जो मेयर के अधिकारों में कटौती सरकार ने कर दी है, इसको लेकर पूरे प्रदेश के जो मेयर हैं उन्होंने मन बना लिया है विरोध करने का। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम पूरा परिदृश्य देखें पूरे प्रदेश का, तो 80% से भी ज़्यादा जितने भी नगर निगमों के मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का विरोध कर रही है और सरकार पर लगातार आरोप लगाती रही है। सदन में भी इस मामले को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, भाजपा के लोग वेल में बैठने के बाद में उन्होंने वॉकआउट तक किया, इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की, क्योंकि भाजपा को लगता है कि उनको डैमेज करने के लिए और जो भाजपा से संबंधित मेयर है, जो जितने भी नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, उसमें अधिकतर भाजपा के ही मेयर हैं, तो भाजपा का साफ साफ कहना है कि उन जो मेयर के अधिकारों में कटौती की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे क्षति पहुंचाई जा रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा इसका विरोध कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अधिनियम है उसमें नगर निगम के लिए अलग अधिनियम है और मेयर जो नगर पालिका परिषद है उनके लिए अलग नियम है। तो इसमें अगर हम देखें तो बीते दिनों में सदन में ये भी बयान आया था, संसदीय कार्य मंत्री आजम खान का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मेयरों को अधिक अधिकार इसलिए नहीं दिए जा सकते हैं कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जब देना होता है तो वो नानुकर करते हैं, और सरकार को ये पूरा हक है, उनको पूरी उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और जो भी बजट उनको दिया गया, मेयर को एलोकेट किया गया, उसकी पूरी वो जानकारी सरकार को दें, और अगर सरकार को इस तरीके से जवाब नहीं दिया जाता, कोई भी चीज़ें छिपाई जाती, तो सरकार को पूरा अधिकार होना चाहिए कि नगर निगम के मेयरों पर कार्रवाई कर सकें। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हो चुका है और आज जब ये मामला भाजपा जब प्रदर्शन करने जा रही है, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रही है, ये मामला सदन में भी उठने की पूरी तरीके से उम्मीद है और भाजपा के लोग सबसे ज़्यादा इस मामले को उठा सकते हैं और सदन में ये भी मामला उठेगा, इस पर भी हंगामा होगा, क्योंकि जो परंपरा काफ़ी वर्षों से चली आ रही थी उस पर समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उस पर मेयर के अधिकारों में कटौती करके सरकार ये दिखाना चाहती है कि जो भी मेयर हों उनके ही अधिकार क्षेत्र में रहें और जो भी मेयर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं या खर्चों का ब्यौरा नहीं दे सकते हैं उस सरकार सीधे सीधे उनके खिलाफ बर्खास्तगी तक की कार्रवाई कर सकती है। और सारे मेयर को यही सबसे बड़ा डर है कि सरकार अब आगे दमनात्मक कार्रवाई कर सकती है और मेयरों को अधिकार के कटौती के नाम पे मेयरों के अधिकार छीने जा सकते हैं, उनके पद को उनके अधिकारों को सीज भी किया जा सकता है। तो यही सब डर है जिसको लेकर भाजपा आज प्रदर्शन करने जा रही है। सरकार के आरोप लग रहे हैं पार्टी पर, लगातार आरोपों का सिलसिला जारी है, बीजेपी को अहम मुद्दे मिल गए हैं जिसकी वजह से वो सरकार को लगातार घेर रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है और ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी और सपा में जो कांटे की टक्कर है उनके बीच ये आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है किस हद तक की जनाधार को घटाएगा और बढ़ाएगा। मुद्दा यह है कि किसके पक्ष में ये जनाधार जाएगा। और फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी और अहम खबर है वो यही है कि लखनऊ से जहां पर आज कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, बीजेपी इस धरना प्रदर्शन करेगी, क्योंकि बीजेपी के जो मेयर सदस्य हैं वो सबसे ज्यादा हैं और उनके अधिकारों में जो कटौती की जा रही है उसी को लेकर बीजेपी आज धरना प्रदर्शन करेगी कलेक्ट्रेट के बाहर। राजीव, यहीं पर एक मुद्दा यह भी उठता है कि जिस तरीके से आपने बताया हमें
कि सबसे ज्यादा जो बीजेपी के लोग हैं वही मेयर की संख्या में है, तो ऐसे में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी को एक अहम मुद्दा मिला है और सरकार को घेरने की कवायद कर रही है, बीजेपी का जो जनाधार घिरा हुआ है, लेकिन ये जो दो मुद्दे मिले हैं, एक तो पुलिस अभ्यर्थी की जो प्रक्रिया है और दूसरा ये जो मेयर की अधिकारों में कटौती की गई, इसको लेकर बीजेपी लगातार हावी होती नजर आ रही है विधानसभा सत्र में भी, कलेक्ट्रेट परिसर में भी, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो सदन के बाहर हो। ऐसे में क्या लग रहा है आगामी विधानसभा चुनाव में किसका जनाधार गिर सकता है और पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय हो जाती है और उसका कोई भी कदम उसको फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें, विधानसभा के चुनाव 2017 में होने हैं और सारी पार्टियां चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे उन्होंने एक्सरसाइज करने शुरू कर दिए हैं, अपने होमवर्क करने शुरू कर दिए हैं और अब जो सरकार का एक एक भी कदम होगा वो उसको फायदा या नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो सरकार भी बहुत ही सधे स्टेप्स लेना चाहती है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं पुलिस भर्ती घोटाले में जो आरोप लगे हैं या मेयर के अधिकारों में कटौती हो, ये सारे मुद्दों पे सरकार की जवाबदेही तय हो जाती है और सरकार जो इस मामले में जवाब देना भी चाहेगी। लेकिन अब ये अलग बात है कि सरकार के जवाब से कितना विपक्ष संतुष्ट होता है या समाज में उसका क्या मैसेज जाता है, क्योंकि समाज में जो मैसेज जाता है उसी के बल पे वोट वो कन्वर्ट होते हैं और विपक्ष हो या सरकार हो, दोनों को वोटों की अब चिंता होगी क्योंकि 2017 के चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो कोई भी कदम ऐसा हो, पुलिस भर्ती घोटाला का भी हो, जब अगर आज की भी हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अगर हम देखें तो शहरों में सबसे ज्यादा है और इसीलिए मेयर उनके सबसे ज्यादा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो सबसे ज्यादा विरोधी इस कदम का कर रहे हैं कि मेयरों के अधिकार में जो कटौती की गई है, सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है या सबसे ज्यादा डर सता रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस कदम का सबसे ज्यादा विरोध कर रही है और विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सड़क में पर हो या सदन के अंदर हो, भारतीय जनता पार्टी ही इस कदम का विरोध कर रही है। जी राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कदम का विरोध कर रही है, अगर देखा जाए यूपी में विधानसभा चुनाव 2017 का समय बहुत ही कम बचा है और ऐसे में मैदान में जो अहम पार्टियां हैं जो एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी और सपा ही है। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी घेर भी रही है, कलेक्ट्रेट में भी घेर रही है, कई अहम मुद्दों को लेकर घेर रही है, पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर घेर रही है, मेयर के जो कटौती की गई है उनको भी लेकर घेर रही है। देखना अब ये है, दिलचस्प होगा कि सपा सरकार इन सब के बीच में किस तरीके से अपने पक्ष को महफूज करती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से, जहां पर कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा प्रदर्शन करेगी, मेयर के अधिकारों में जो कटौती की जा रही है उसके चलते भाजपाइयों में रोष है, आक्रोश है और गुस्सा है और इसी गुस्से को प्रदर्शित करेगी आज वो कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करके।